हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एक्सरसाइज 12.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन एंड टू सॉल्व कर लिया था अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है साथ में आप बुक देखते जाइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थर्ड है देयर इज अ स्लाइड पार्क स्लाइड इन अ पार्क वन ऑफ इट साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर फिफ्टीन मीटर एलेवन मीटर एंड सिक्स मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर ठीक है यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है ठीक है मतलब ये ट्रैंगुलर शेप में है इसके तीन साइड दिए हैं एक साइड है आपके पास इलेवन मीटर यहाँ पर है ये इधर वाला साइड है सिक्स मीटर और नीचे वाला साइड कितना दिया है फिफ्टीन मीटर ठीक है और इस वाले को क्या किया गया है पेंट किया गया है अब आपको क्या करना है इसका एरिया फाइंड करना है ठीक है तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये ट्राइंगल बन रहा है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है तो ए बी सी ले लीजिए इसको ए ले लीजिए इसको बी और इस वाले को सी ले लीजिए ठीक है तो हीरो फार्मूला आपके पास है हीरोइंस फार्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है हीरोइंस फार्मूला था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी लास्ट हो जाएगा आपका एस माइनस सी ठीक है और एस क्या था एस था सेमी पैरामीटर मतलब सभी साइड को ऐड करके टू से डिवाइड करना है ठीक है तो यहाँ पे थ्री साइड दिए हैं ऐड करके टू से डिवाइड करिए आपका एस निकल जाएगा और ए बी सी दिया ही है तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करिए उसको सॉल्व कर लीजिए ठीक है ये क्वेश्चन नंबर वन और टू जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत हीजी क्वेश्चन है ईजीली सॉल्व हो जाएगा आपका तो ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज़ टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर ठीक है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है उसमें दो साइड आपको दिया हुआ है एक मान लीजिए एटीन है और सेकेंड वाला दिया है टेन ठीक है तीसरा साइड दिया नहीं है लेकिन इसके लिए आपको पैरीमीटर का वैल्यू दे दिया है फोर्टी ठीक है तो पैरीमीटर का मतलब क्या होता है पैरीमीटर का मतलब ये होता है कि तीनों साइड का सम ठीक है यहाँ पे तीन है, ये तीन साइड है सपोज ये ए है आपका ये वाला बी है और ये सी सी आपको नहीं पता है तो पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड दो साइड आपको पता है पैरीमीटर पता है तीसरा साइड आपको लग, निकालना है यहाँ पे तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आप पैरीमीटर का फॉर्मूला लिख दीजिए p इक्ल टू ए प्लस बी प्लस सी तो p का वैल्यू फोर्टी टू आपको पता है a का भी वैल्यू पता है b का भी वैल्यू पता है इसको सॉल्व करिए सॉल्व करने पर आपको c का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको तीन ही वैल्यू चाहिए ए बी एंड सी इनो वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं अब हिरॉन्स फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे और एरिया फाइंड कर लीजिए ठीक है तो इसको भी आप बना लीजिएगा खुद से आगे अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल आर इन द रेशो ट्वेल्व रेशो में दिया है ट्वेल्व इज टू सेवेंटीन इज टू ट्वेंटी फाइव ठीक है ये ट्राएंगल के साइड का रेशो दिया हुआ है और इसका पैरामीटर दिया है फाइव हंड्रेड फोर्टी ठीक है तो आपको क्या फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए तीनों साइड चाहिए अगर आपके पास तीनों साइड है तो एरिया निकल जाएगा यहाँ पे तो एरिया कैसे करेंगे हम लोग तो जो रेशियो में दिया हुआ है तो उसको आप ए बी सी के फॉर्म में लिख लीजिए तो ए इक्वल टू हो जाएगा ट्वेल्व एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा सेवनटीन एक्स और सी इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स पैरीमीटर दिया है हमारे पास फाइव हंड्रेड फोर्टी मतलब हम लोग यहाँ पे पेरे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर 540 दिया हुआ है ए बी सी सभी का वैल्यू दिया है इसको सॉल्व करिए सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफ़ाई करने पे एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 10 वहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए तो ए बी और सी ये तीनों वैल्यू मिल गए आपको उसके बाद क्या करिए फाइनली यहाँ पे हीरोइस फॉर्मूला लगाइए और एरिया फाइंड कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फाइव भी कम्प्लीट हो जाता है चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है एन आइसोसेल्स ट्राएंगल हैज पैरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राएंगल ठीक है क्वेश्चन में ये दिया है कि एक आइसोसेलस ट्राएंगल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलस ट्राएंगल होता है क्या है आइसोसेलस ट्राएंगल ऐसा होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन uh, में ये जो ट्राइंगल गिवन है उस ट्राइंगल का पैरीमीटर uh, दिया हुआ है थर्टी सेंटीमीटर और दो इक्वल साइड यहाँ पे दिए हैं द ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज़ 12 मतलब इस वाले ये 12 है आपका और ये भी 12 है मतलब तीसरा वाला वैल्यू आपको नहीं पता है ठीक है लेकिन उसके लिए आपको पैरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है ठीक है तो क्या करिए ए इक्वल टू ट्वेल्व लिख लीजिए बी इक्वल टू बी ट्वेल्व सी का वैल्यू आप फाइंड करिए ठीक है पैरीमीटर का फार्मूला लगाइए ए प्लस बी प्लस सी थर्टी इक्वल टू ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस C और uh, C का वैल्यू सी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिए C का वैल्यू कितना मिला सिक्स मिला तो यहाँ पे आपको A, B और C तीनों मिल चुके हैं उसके बाद क्या करना है हिरानस फॉर्मूला लगाना है और ये एरिया फाइंड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन कंप्लीट होता है आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ईजी एक्सरसाइज था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू को सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप लोग सभी लोग नोट्स को बना लें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय